सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। तो को उठाऊं शाबाश ईश्वर का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में आज आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। इस समय जो लोग अपने स्थान पर खड़े हैं परमेश्वर, इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये लोग फिर से पवित्र आत्मा बड़ी आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग विश्वास कर रहे हैं पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में डबल मसा उतरे यीशु मसीह के नाम में, डबल अनॉइंटिंग उतरे, हर एक आशीष इनकी ठहरे परमेश्वर। तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ इनके ऊपर उतरने पाए परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़ने पाए पवित्र आत्मा जी, तेरे नाम का सुसमाचार सुनाने पाए लोग यीशु मसीह के नाम में, हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जो इस समय
मेरे पिता परमेश्वर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पंजाब से, हरियाणा से, जम्मू से, महाराष्ट्र से, इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च परमेश्वर जो इसी समय भक्ति कर रहे थे पवित्र आत्मा जी, तेरी महिमा कर रहे थे परमेश्वर, इनकी जिंदगी में कार्य कर परमेश्वर, इन्हें बड़ी आशीष दे आदि यीशु मसीह के नाम में। जो समय महाराष्ट्र से, पाकिस्तान से, नेपाल से पवित्र आत्मा जी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, मॉरिशियस, मलेशिया से, इस समय सिंगापुर से पवित्र आत्मा, ग्रीस से, साइप्रस से, जर्मनी से, हर जगह से, यूके से पवित्र आत्मा, हमारी ब्रांचें रांची से पवित्र आत्मा, उत्तराखंड से पिता परमेश्वर, जो ब्रांचें यूपी बिहार से इस समय पवित्र आत्मा जी, कोलकाता, गुजरात, अहमदाबाद, गोवा में पवित्र आत्मा, जो बॉम्बे में जुड़ी हुई है परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तेरी अनॉइंटिंग इनके ऊपर डबल काम करे आज यीशु मसीह के नाम में। सच में पवित्र आत्मा भी छुए आज यीशु मसीह के नाम में। कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें और विश्वास करें परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। अब अलाबा शबला बाबा लबा शबला बाबा लबा शबला बा पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग तुझे निहार रहे हैं परमेश्वर, जो लोग तेरी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, तूने कहा धर्मी जन का भला ही होगा। मेरे पिता परमेश्वर, इन धर्मियों का तू भला करेगा परमेश्वर। आमीन। धर्मी से कहो कि तेरा भला ही होगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाऊं और उसको कहूं कि तेरा भला ही होगा। इसकी ट्यून कम कर, बातें मत कर, इसकी ट्यून कम कर, मैं डिस्टर्ब होता हूं। धर्मी को कहूं कि तेरा भला ही होगा। फिर से कहूं धर्मी से, बात करो और हाथ मिलाऊं उसके साथ, उसे कहूं तेरा भला ही होगा, तेरा भला ही होगा। अबा लबा शबा लबा बलबा शबा लबा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु हमसे बातें करता है। सुनने परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अभी कहा कि बहुत सारे लोग इसी समय आशीष पाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बंधन टूटने वाले हैं आपके जीवन में। आमीन। आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा आज रात के बाद। आमीन। जिस चीज के लिए आप डिमांड कर रहे थे आपको नहीं मिल रही थी, अभी जल्दी गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष के डोर आपके लिए खोल दिए जाएंगे। मैं कुछ एंजल को रिलीज होते देख रहा हूँ स्वर्ग से। वो आपके लिए भेजे गए हैं और जब तक आपके काम ना बने तब तक वो नहीं जाएंगे। लेकिन किन के कह रहे कि धर्मियों के लिए, जो धर्मियों ने का नाटक नहीं करते उनके लिए, जो धर्म पर चलने वाले हैं, धर्मी की चाल चलने वाले हैं, परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए ऐसा करेगा। अबालबा शबालबा बालबा शबालबा। मैं जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह, तो मैं 2 मिनट तक प्रेयर में देखता रहा कि कई जगह पर आग आग आग, फायर फायर, बार बार आग लग रही है। हो सकता है फैक्ट्री हो, कोई जगह हो, देश हो, कोई प्लेन हो, कोई जगह पर हो, बार बार आग पर आग लग रही है। प्रभु का आत्मा कह रहा है 2024 आप सब प्रेयर करें आपके फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोस के लिए, देश के लिए आशीष में रहे। जब मसीह लोग, धर्मी जन प्रार्थना करते हैं इकट्ठे होकर, तो परमेश्वर काम करता है। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी, तू दया करना यीशु मसीह के नाम में। आप सुनेंगे, मैंने देखा कनाडा में, अमेरिका में, कई जगह पर आप न्यूज में सुनेंगे, यूरोप में आर्थिक तंगी आ गई, प्रॉब्लम आ गई। हो सकता है 2024 और 25 मार्च के बीच में ऐसा होगा कि जो लोग 2024 के बाद लास्ट में, मैं अपने लोगों से विनती करूंगा कि 6 महीने के लिए कनाडा से डे टाइम आपको कुछ परमेश्वर मेरे द्वारा बताए तो अच्छा है, नहीं तो अपने दिमाग से प्रार्थना करो, परमेश्वर को कहो परमेश्वर मदद करे। मैंने कुछ कनाडा में अच्छा नहीं देखा, लोग एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ अत्याचार कर रहे हैं, कई जगह पर ऐसा देखा। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको महंगाई हो गई है। वो कह रहे हैं कि जैसे हमारे भारत देश में, महाराष्ट्र में आपने सुना था कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, ये बाहर से आके ये इनको जॉब मिल रही है,
काम हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आप प्रार्थना करो कि जो आपके लोग हैं वहां पर सेफ रहें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा धर्मी जन का भला ही होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर कितना दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ उनके ऊपर बना रहे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जिसके नाम GNRSPLB और K से हैं, जाओ तैयारी करो आपकी गवर्नमेंट जॉब की आशीष के महीने आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करेंगे, आप पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे कि अगस्त के महीने में आप बहुत सारी गवाहियों को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं इसी समय ANRSGHPKLMN लेडीज जिनके पास बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, परमेश्वर आपकी आशीषों को रिलीज कर रहा है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं आप? प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। जब आप ताड़ी बजाते हैं, सुनो ध्यान से, बाइबल में मैं पढ़ रहा हूं भजन संहिता, हाँ जल्दी से देखेंगे, शाबाश। भजन संहिता के अंदर कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में बरकत दे, मेरे घर में आशीषें दे, मेरे घर को फिर से नया कर दे, मेरी ब्लेसिंग को दे दे, चाहते हो कि नहीं? तो पवित्र आत्मा क्या चाहता है आपसे? वो चाहता है कि आपकी स्माइल बरकरार रहे। हालेलुया, आपकी आशीषें खुलें। भजन संहिता 150 में लिखा, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में, उसके पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, बोला हालेलुया। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी तारीफ कब करो? जब आप प्रेयर करते हैं, बहुत सारे लोगों के काम नहीं बनते हैं और वो परमेश्वर से निराश हो जाते हैं और वो बार बार बोलते हैं, लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, कह रहे परमेश्वर कह रहे हैं कि अपनी प्रार्थना में सबसे पहले भजन संहिता बता रही है कि तुम परमेश्वर के कामों की तारीफ किया करो कि परमेश्वर कितना सुंदर, तूने आकाश पृथ्वी जीवन दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर तू महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हम तेरी तारीफ करते हैं, तूने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, हम तेरी तारीफ करते हैं, तूने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम संडे के दिन टांगों पर खड़े रहते हैं, पादरी हमें इतनी देर खड़े रखता है, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम थकते नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, बोलो हालेलुया, क्योंकि तेरी सामर्थ्य हुआ है। कह रहा हूं उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा, कितने लोग चर्च में सारंगी और वीणा लेकर आए हैं? डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। क्या क्या लिखा है? कह रहा है उसकी तारीफ जो है, गूंगा कैसे तारीफ करेगा उसकी? गूंगा जब नाच रहा होता, कह रहा नाचते हुए उसकी तारीफ करो, समझ रहे हैं? कोई बहरा उसकी तारीफ कैसे करेगा? वो देख रहे हैं कि नाच रहे हैं तो मैं भी नाचता हूं, आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर चाहता है, कह रहा है तारीफ करो, नाचते हुए करो, बजाते हुए करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द से हालेलुया बोलकर उसकी स्तुति करो। जब आप हालेलुया बोल रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो ऊंचे शब्द से बोल रहे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं, जो ब्रांचें अपने स्थान पर खड़ी हैं परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। कर आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। कई लोग स्तुति उसकी करते हैं ऐसे, हालेलुया, ऐसे नहीं, आनंद के साथ, स्माइल के साथ, उसकी 32 दांत दिखाते हुए उसकी स्तुति करो। आप बताओ शैतान को कि मैं आज खुश हूं, मुझे पता है कि मेरे परिवार का बंदा बेड पर है, मुझे पता है। हो सकता है आप ऐसे कह रहे हो, शैतान आपको कह रहा हूं कि तू तो बीमार है, तू तो कर्जे में है, तुझे तो, तू तो निराश है, तूने तो ये कर दिया, तेरे ये कर दिया, लोग ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, ऐसे कहने, वो सब कहने दे, हम फिर भी आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने प्राणी हैं सबके सब, कह रहा एक भी जन ऐसा नहीं, सबके सब मिलकर उसकी स्तुति करो। अब सुनो,
बहुत सारे लोग अपने घर में जब ताड़ी कैसे बजाते हैं, जब आप घर में प्रेयर करते हैं तब हाले पति को गुस्सा, आत्मिक बंदे को हमेशा गुस्सा आएगा, कहेगा तू ताड़ी इकट्ठी नहीं बजा रही, बच्चे को कहेंगे तू ताड़ी इकट्ठी नहीं बजा रही, वो ऐसे बजा रहा होता है और दूसरा ऐसे बजा रहा होता है, इकट्ठी नहीं मिल रही होती आपकी ताड़ियां, नहीं 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 अभी नहीं, ये आप स्वागत कर रहे हैं, जब कोई प्रधानमंत्री स्टेज पर आते हैं तो ताड़ियां इकट्ठी चलती हैं मुझे पता है, लेकिन आपने सीखा है स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आता है तो सब एक साथ ताड़ी मारते हैं, लेकिन आप बहुत सारे लोग जब वर्शिप करते हैं, ये प्रभु मैं बता रहा हूँ कि कमी है लोगों की, करें आपकी ताड़ियां आपस में घर में नहीं मिलती, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, सबके साथ ऐसे होता है, मम्मी कहाँ ताड़ी बजा रही होती है, बाप कहाँ बजा रहा होता है, बेटा कहीं बजा रहा होता है, तो परमेश्वर कहते हैं जब तुम्हारी कहना कि ताड़ियां नहीं मिलती तो तुम्हारे घर में सारी बातें कहां मिलेंगी, समझ रहे हैं कि नहीं, जब आप वर्शिप में उनको सिखाना है, आज मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे बजाएंगे, मेरे साथ शुरू करेंगे, ऐसे नहीं रुको जल्दबाजी ना करो, बोलो एक दो तीन, हाँ फिर से करेंगे, एक दो तीन, आपकी समझ में आया मैं क्या कहने चाह रहा हूं, मेरी गोद में कोई छोटा नन्ना बच्चा नहीं है, माइक है मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको मेरे साथ मिलकर गाना है, मिलकर बजाना है, जब आप घर में मिलकर गाते और बजाते हैं तो क्या होगा, जब आपकी ताड़ियां नहीं मिलती तो परमेश्वर आपके साथ काम मिलेगा, दर्शन कैसे होंगे आपको, वो कह रहा है कि ताड़ियां बजाते हुए मेरी स्तुति करो, नाचते हुए, एक नाच रहा है दूसरा नाच नहीं रहा, एक गा रहा है दूसरा इधर उधर देख रहा है, आप समझ रहे हैं, कह रहा है मिलकर मेरी स्तुति करो, कह रहा है जहां दो या तीन जन एक मन होकर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, एक विषय के लिए मिलकर, कह रहा है परमेश्वर उनके बीच में होता है कि नहीं, yes. तो आपको लिखा आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आपको मांगने की जरूरत नहीं, आराधना में ही आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी आज, आमेन, ठीक है, फिर से मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर से करेंगे, देखो एक दो तीन, अब हम एक साथ चलेंगे, एक दो तीन, रुको, एक दो तीन, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया, आज आप सीख गए घर में जाके ऐसे बजाना है, अपने घर वालों को पहले सिखाना है, समझ रहे हैं मेरी बात, फिर आप देखो आपके घर में स्तुति करने का आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में, अपने हाथों को उठाऊं और फिर से जोर से जोर से गाएं शाबाश, फिर से यीशु गामा हम दे तेरी, मैं गामा नच नच के, यीशु गामा हम दे तेरी, मैं गामा नच नच के, तेरी शाफी खुदाया तेरी सनाओं में गामा, तेरी शाफी खुदाया, फिर से गाओ, फिर से गाओ, तू मेरा परमेश्वर है,
जो भी लोग वहां पर खड़े हैं बैठे हैं आज सबको बीच में ये मिट्टी और ऑयल वाली प्रार्थना के साथ मैं इसी समय इस मिट्टी में ऑयल मिला रहा हूं और ये आपको वॉलंटियर आएंगे बीच में अभी हमारे प्रेयर योद्धा आएंगे और आपके बीच में आपको देंगे अपने हाथों पर और उसको लगा लेना थोड़ा सा कहीं पर भी जहां पर आप समस्या में लड़कियां पीछे हो जाओ क्वायर की पीछे चलो पीछे और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह वाला हाथ तेरी दया वाला हाथ इसी समय परमेश्वर इसी समय इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं इसी समय पवित्र आत्मा इस मिट्टी को इस ऑयल में मिलाता हूँ और सच में जिसको लगाया जाए वो गुड न्यूज को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। जो ब्रांचों में भी इसी समय अपनी मिट्टी और ऑयल लेकर खड़े हैं पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर तेरा दया वाला हाथ बरकत वाला हाथ पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर इस ऑयल में आने पाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन में लिखा कि तुम बीमारों पर तेल मलोगे वो चंगा हो जाएगा और सच में नामान वहां से मिट्टी लेकर गया जहां पर एलिशा बैठा था। सच में पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो मिट्टी आज इन्हें दी जा रही है क्योंकि यीशु मसीह तूने सच में मिट्टी को लिया और उसमें थूक दिया और अंधे की आंख पर लगाया और बंदा देखने लगा। मैं आज वो मिट्टी और ऑयल इनकी आंखों पर इनके हाथों पर लगाता हूँ विश्वास के साथ कि मेरे प्रभु इनकी आंखें देखने पाए जो इनका काम नहीं बन रहा वो इनके सामने आ जाए काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में। आप देखने पाएंगे इस हफ्ते में अपनी गवाहियों को यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। हाँ हाँ फिर से गाएं बैठ जाएं सब अपने स्थान पर। मन प्रभु की तू आराधना कर क्योंकि वो भला है तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी है तेरा जरा सा ही छूना खुदा मेरे लिए ही काफी। मेरे गुनाहों की माफी तू मेरी खताओं की माफी तू मेरे गुनाहों की माफी तू मेरी खताओं की माफी तू एक कचरा ये सुनेरे लहूगा एक कचरा ये सुनेरे लहूगा मेरी शिफा तो काफी है तेरा जरा कभी है मैनू तेरा।
पीछे होके बैठ जाओ। को उठाओ जोर से, बोलो हालेलुया। हाँ, विश्वास करने वालों के लिए आशीष में रहेगी आज मीटिंग यीशु के नाम में। बैठ जाए, शाबाश, एक छलांग लगा बैठ जाए सब। जो एक छलांग लगा के बैठ रहे हैं उनके लिए नई ब्लेसिंग आ रही है आज। हाँ जी, हाँ जी, गवाही के साथ शाबाश, हालेलुया। हाँ हाँ, प्रवृत्ति भाई बता रहे हैं 20 साल से जर्मनी में पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी। चर्च आए, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, पीआर आ गई है। बेटे सुनेंगे, गवाही सुनेंगे, शाबाश। मैं बहुत टाइम तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी यूरोप दे विच, कई कंट्रीज दे विच मैं जाके अपने डॉक्यूमेंट ढोलकी मेरे पास आ, पर मैनू कभी भी मतलब कि हर पासों हार मिली है, हर पासों ही। फिर मेरी मदर ने 2018 दे विच ले हैंड प्रेयर करवाई, तो उस तो बाद मेरे रस्ते खुलने शुरू हो गए, तो खुदा ने मैनू ब्लेस किया। और जर्मन पीआर मिली, जर्मन की पीआर मिली। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। सुनो सुनो बेटे, सुनो मेरी बात पूरी होने दे, अभी सुनो ध्यान से। ये परमेश्वर है आपके सामने है, देखो ये मैंने बता रही है। कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? माइक में बोलो। गुरदासपुर, गुरदासपुर से आए। और इनके कोई काम नहीं बन रहा था, जब इन्होंने ले हैंड कराई, इनकी मम्मी ने कहा कि ले हैंड कराते हैं, और ले हैंड कराई। और उसके ले हैंड कराने के बाद कह रहे गुड न्यूज मिली है, ये बता रहे हैं कि जर्मनी में पीआर आ गई है। कौन है चर्ची है, कौन है? हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास के साथ कहो कि मेरा बादशाह जिंदा है, है कि नहीं मेरा बादशाह? विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहे हैं। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जितने लोग ठंड में भी प्रभु के घर आ रहे हैं, इसी साल में उनके काम बनने वाले हैं। शक्ति का नाम मैं फिर कह रहा हूं कि देख रहे हैं आप, ले एंड पर कराया, पीआर आ गई। अगर आज आपके पास अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कहीं की भी पीआर नहीं है, एक बार ले एंड प्रे करा के देखना, आ जाना मेरे चर्च में, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। हा हा हा, शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ, हाँ प्रवृत्ति भाई बता रहे हैं, काफी समय से यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था। चर्च आए, स्पेशल बीज बोकर, स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, यूके वीजा गए। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। आवाज दम हैगी कि नहीं? बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों का दम बाहर आएगा आज। अगर आपको लगता है कि मेरे काम नहीं बन रहे, मैं कह रहा हूं कि आज
का वचन आपकी जिंदगियों में एक नई जान डाल कर जाएगा। आज आपके काम बनेंगे। काम बनते उसके जो अंगीकार सही करता है। सुन रहे हो, आपका अंगीकार गलत होता है जब आप निराश होते हो। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपका अंगीकार सही होना चाहिए कि बोलो मेरे काम बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मेरी सेवकाई आशीषित है, मेरा बिजनेस आशीषित है, मेरी हड्डियां नसें मांसपेशियां आशीषित है। बोलो आई एम ब्लेस्ड। सड़ा दो आज, बोलो आई एम ब्लेस्ड। हालेलुया। विश्वास करना है, बोलो आई एम ब्लेस्ड। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे बेटे। कहां से आए आप? जगराओं के पास है प्रोफेट जी, लुधियाना जिलाई। और बहुत टाइम हो गया, यूके वीजे के लिए अप्लाई कर रहे थे। हाँ, और आपसे स्पेशल हैंड क्राई प्रोफेट जी, और हमको यूके वीजा ब्लेसिंग की आशीष मिल चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम। तक जिंदा खुदा दा जदो लगे ना, तक जिंदा खुदा दा जदो लगे ना। हाँ बेटे, सुनेंगे सुनेंगे। हेलो, जय मसीह दी सारी कलीसिया, जय मसीह दी प्रॉपर्टी जी, जय मसीह दी सपना दीदी, जय मसीह दी। मेरी एक भाई है प्रॉपर्टी जी, तो स्पेशल ले हैंड प्राय करवा के गए सी। असी नवी गड्डी दे साथ स्विफ्ट दे नाल ब्लेस होए हां। हालेलुया हालेलुया। कहंदी कि तू तां बाहर चला जाएगा, तेरे बाहर जाण नाल साडा की फायदा, नवी गड्डी भी आ गई ओदे घरे। तो मतलब वो खुश हो रही है, माँ कह रही बता रही है कि जब इसने स्पेशल लैंड प्रे कराया आपके सामने है कि बता रहे हैं कि इंग्लैंड का वीजा आया, और वो माँ बता रही है कि नई कार की आशीष भी मिला। इसका मतलब बोने वालों को दुगनी आशीष मिलती है। जैसा बोगे अपने पड़ोसी ने कहा, जितना ना बोएगा उतना ना कटेगा। गुस्से से बोलो, जितना ना बोएंगी उतना ना कटेंगी। समझ आ रहा? इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसा बोलोगे जितना ना बोएंगी उतना ना कटेंगी। हाँ क्वायर बोलो एक दूसरे को, जितना ना बोओगे उतना ना कटोगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। हा हा हा, हालेलुया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गवाही के साथ। प्रॉफिट जी, बहन बता रही है, हाँ, काफी समय से इनके बच्चे फॉरेन के लिए ट्राई कर रहे थे, वीजा नहीं लग पा रहा था, स्पेशल अपॉइंटमेंट लिए आपसे मिल कर गए। आपने प्रोफेसी किया था कि आपके बेटे का भी और आपके भतीजे का भी वीजा आने के लिए जा रहे हैं। बता रहे हैं, एक का कनाडा का, एक का जर्मनी का वीजा। बोलो हालेलुया, सब तालियां बजाओ, वो गरीब सीहा। करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अपने पड़ोसी को कहूं, अपने पड़ोसी को कहूं, तेरे लिए सब कुछ होने वाला है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करते हैं आप? देखो आपके सामने बहन गवाही दे रही है। हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे इस बहन की। हाँ जी हाँ जी, बताएंगे। पापा जी, जैम सिगी, मेरे वालों सारी कलीसिया नु जैम सिगी। जदों दी पापा जी साडे लई प्रोफेसी करदे आ, साडे लई प्रार्थना करदे आ, सचमुच मेरे घर दे विच स्वर्ग दे भंडारे ते स्वर्ग दी आशीषां मैनूं मिल चुकियां। मेरे भतीजे दोनों एक भतीजे दा एक भांजे दा जर्मनी ते कैनेडा दे वीजे नाल ब्लैस हो चुके आ। बहुत समय तो रुकावट आ रही थी, जदों पापा आर नाम दे लई प्रोफेसी कर रहे सी, मैं उन्हां बच्चों दे लई रिसीव की, तो परमेश्वर ने अज मैनूं तुहाडे विचकार सुंदर गवाही दे नाल खड़ा किया। हाँ जी, मैं अपॉइंटमेंट भी लीती सी, जिस दिन मैं पापा दे नाल गल बात की अपॉइंटमेंट लई, सचमुच परमेश्वर ने मेरे घर च स्वर्ग राज दे भंडारे खोल दिते है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Yeah.
को उठाएं, विश्वास करें। आज मैं फिर कह रहा हूं कि देख रहे हैं आप किसके बेटे का कनाडा का वीजा आया, भतीजे का भी आया, जर्मनी का कहां का आया। परमेश्वर आशीष दे। मैं फिर कह रहा हूं कि जब इन्होंने स्पेशल लैंड कराया, अपॉइंटमेंट लिया, परमेश्वर काम करता है। इसका मतलब कि आपको विश्वास करना है कि जिस चर्च के साथ आप जुड़े हुए हैं, जहां पर आप खड़े हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आशीष देगा। मैं आपको बताता हूँ कि प्रभु का प्लान मेरी जिंदगी में 2008 में बन चुका था, जब मैं पहली बार मुझे किसी ने सुसमाचार सुनाया और मैं प्रभु में आया। एक बात मैंने पवित्र आत्मा को कही थी कि पवित्र आत्मा मैं चर्च जाता तो हूँ लेकिन काम नहीं बनते। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे को जानबूझकर ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं 3 साल चर्च में गया, 3 साल मेरा कोई काम नहीं बना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा 3रे साल में कि मैं तुझे जानबूझकर ये ट्रेनिंग देता रहा। कहता कि तू ताकि देख सके लोग कितने दुखी हैं, लोगों के काम कैसे नहीं बनते, तो एक्सपीरियंस कर सके कैसे वो निराश हो जाते हैं। तो मैं उस दिन यही बात कही थी पवित्र आत्मा को कि परमेश्वर कि जब मैं प्रभु तेरी सेवा करूं तो परमेश्वर ऐसा ना हो कोई लोग निराश हो, जो मेरे से मिल के जाएं वो निराश होने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। ये मेरी गवाही है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी लाइफ में जो लोग मेरे से मिलकर गए, अपॉइंटमेंट लिया, ले हैंड कराए, पवित्र आत्मा ने उन्हें खुशखबरी दी है। आज मैं फिर कह रहा हूँ जर्मनी कनाडा कहीं का भी वीजा नहीं है, पीआर नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। फिर से कहो हाँ हाँ, गवाही के साथ हालेलुया। प्रवृत्ति भाई बता रहे हैं काफी समय से अमेरिका वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था। चर्च आए, स्पेशल बीज बोकर ले हैंड प्रेयर करा के गए, आज गवाही दे रहे हैं अमेरिका वीजा आ गया। हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? यस। आपके सामने देखो कह रहे अमेरिका का वीजा आ गया, ले हैंड प्रे कराई। हाँ हाँ, सुनेंगे बेटे गवाही के साथ। प्रॉफिट जी को जय मसीह की। प्रॉफिट जी मेरी गवाही ये है कि मैं तरनतारन से आया हूँ, तो मैं ना कुछ समय पहले ना वीजा के लिए ट्राई करता था, नहीं लग पा रहा था, लेकिन जब आपसे स्पेशल ले हैंड करवाई, मेरा 2.5 महीने के अंदर वीजा के साथ ब्लेस हो चुका हूँ। कहाँ का? अमेरिका का। हालेलुया। देखो कितनी बार इसने ट्राई किया, नहीं लगा, लेकिन प्रभु ने उसको बोला जा बेटे एक बार ले हैंड करा। लेकिन प्रॉफिट जी आपकी वजह से यहाँ तक आया हूँ मैं। हालेलुया। ये तो परमेश्वर की वजह से आयो, क्यों तवा लगवाते हो मेरे पर? नहीं प्रॉफिट जी, आप प्रेयर करते हो तो हम आए हैं ना। हालेलुया। हाँ सही कह रहे हैं वो, कर आप प्रेयर करते हैं, जरिया बनाता है परमेश्वर, आशीष देता है, ये प्रभु की ओर से है। बोलो हालेलुया। और प्रॉफिट जी हमारी एक गवाही और है। मैं तो एक ही कहूंगा, जलने वाला जले, स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं। मैं तो एक बात कहूंगा कि परमेश्वर कह रहा है उन लोगों को विश्वास करना है, कि आपको बिलीव करना है, आपको अपनी बात पर अड़े रहना है, खड़े रहना है। अगर आपका विवेक आपको दोषी नहीं ठहराता तो आप दोषी नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम करना है। अगर आप विश्वास से हटते हैं तो आप परमेश्वर को काम करना करने के लिए मना करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अगर आप विश्वास में बने रहते हैं तो परमेश्वर को काम करने के लिए आप मजबूर करते हैं, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर ऑन ड्यूटी है स्वर्ग के सिंहासन पर अभी भी। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो कि मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। अब तक विश्वास किया ही नहीं है, आप बोलो कि मैं विश्वास में चलने के लिए तैयार हूं, मैं विश्वास में बने रहने के लिए तैयार हूं। हाँ हाँ, गवाही सुनेंगे। प्रॉफिट जी हमारा ना 10 लाख का लोन अप्लाई किया था, कहीं नहीं हो रहा था, तो आपने इस संडे से पिछले संडे बोला था कि पतरस का जब विश्वास उठ गया था, परमेश्वर ने बोला कि तू फिर जा डाल, फिर से होगा। पापा हमने अगले मंडे जाके हमने जब बैंक वाले से मिला, बैंक वाले ने खुद हमें लोन के ऊपर मोहर लगा के दी, हमारा दूसरे दिन लोन के साथ हम ब्लेस हो चुके थे। बल्ले 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 आज ते हो गई, बल्ले 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 चले।
कितनी होएगी आज बल्ले बल्ले यार, ये गीत मेरा बहुत पुराना है, फिर से बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले बल्ले आसमाना दे उते थले हो गई बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले और शैतान हो गया थल्ले थल्ले हालेलुया हालेलुया। जितने लोग झूम रहे थे महिमा कर रहे थे सच में परमेश्वर उन्हें बड़ी जल्दी बहुत सारी ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। शुक्र प्रभु की महिमा करनी चाहिए संडे के दिन, आराधना करनी चाहिए इस दिन। आप जितना झूमेंगे, मैंने आपको आते ही स्टेज पर क्या बताया कि जितनी आप स्तुति करेंगे सारंगी के साथ, इस 10 तार वाली सारंगी के साथ, तालियों के साथ, ढपले के साथ, वीणा के साथ, आप हालेलुया के साथ ऊंची आवाज में नाचते हुए झूमते हुए लोग कुछ भी कहें, लेकिन मेरा जमीर कह रहा है, ये बात कह रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आपका मन क्या कह रहा है आपको नहीं पता कर रहा। जब आप नाचते हैं झूमते हैं संडे के दिन, मैं फिर कह रहा हूँ विश्राम दिन के दिन आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर की तारीफ करने वाला कभी गरीब नहीं रहेगा, याद रखना। वो लंबी आयु को जिएगा परमेश्वर की तारीफ करने वाला, वो स्वर्ग की आशीषों को देखने पाएगा यीशु मसीह के नाम में। सब लोग बैठ जाएं, बोले आमीन। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं इनका बेटा काफी समय से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहा था, नहीं लग पा रहा था, चर्च आए स्पेशल बीज वोकर लेहन प्रेयर करा के गए, कनाडा वीजा आ गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओए आता कितना हो गया, पूछो अपने पड़ोसी को, आता कितना हो गया, ये बोलो साढ़े चर्च भी आता ही हो जाता ही है। कब से? क्रिसमस के बाद से। कब से हो रहा है ये? क्रिसमस के बाद से। आप देख रहे हैं कि जर्मनी कनाडा लाइन लगी हुई है, लोग गवाहियां दे रहे हैं, अमेरिका वीजे लगते जा रहे हैं। जो कह रहे हैं कि हमारे वीजे नहीं लग रहे थे, फ्लॉप थे, परमेश्वर ने कहा था, मैंने क्रिसमस के दिन कहा था कि ये नाम वाले स्पेलिंग वाले लोग आशीष पाएंगे। और देखो आपके सामने लाइन लगी हुई है, लोग गवाहियां दे रहे हैं। हाँ हाँ बेटे कहाँ से आए बताएंगे? शाबाश, माइक ऊपर कर ले। हाँ जी, बंगा तो नवा शहर जिला तो। हाँ जी,
पापा मेरा बेटे ने 2 साल तो ट्राई कर रहा सी, ओदी 2 बार रिफ्यूजल आ गई। पापा फिर आपा थोड़े तो ले हैंड करवाई ते तुसी किया सी दिसंबर दी फ्लाइट देख रहे हैं। पापा दिसंबर च मेरे बेटे दा वीजा आ गया, मेरे प्रभु ने मेरे बेटे नु वीजा नाल ब्लेस कीता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर सुनता है। कहां का वीजा है बेटे? कनाडा का। जो से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मेरा नाता जी दे नाले। सुनो, आपने देखा भी लैंड प्रे कराया, कनाडा का वीजा आ गया, लैंड प्रे कराया, जर्मनी का आया, PR आई जर्मनी की, फिर कनाडा का वीजा आया, एक और इंग्लैंड का आया, USA का आया। मैं कह रहा हूँ कि जो जिनके पास वीजा नहीं है, PR नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में लैंड प्रे कराने के लिए। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। शाबाश। Next. Hallelujah. Prophet जी बहुत बड़ी गवाही है। ये सभी बता रहे हैं, किसी के पास 2 साल से, किसी के पास 5 साल से, किसी के पास 8 साल से, किसी के पास 10 साल से बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी। जैसे ये चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई, बता रहे बेबी बॉय के साथ ब्लेस। मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, मेरे यीशु जी दे जोर दी क्या बात है, ओदे अगे बीमारियां दी की ओ गत गे, ओदे अगे बीमारियां दी की ओ गत गे, मेरे यीशु जी दे कोल दी क्या बात है। उठाते हुए सब कहूं के क्या बात है, क्या बात है मेरे यीशु में, क्या बात है यीशु में, क्या बात है। ये भी एक तारीफ करने का जरिया है, मेरे यीशु में क्या बात है। बोला हालेलुया। परमेश्वर आपकी गवाहियां बनाए इस हफ्ते में, जल्दी टेस्टमनी उसकी नहीं बनती। मैंने क्या बताया कि जो परमेश्वर की तारीफ नहीं करता, आपका आनंद करना, आपका स्माइल देना भी तारीफ करना है परमेश्वर की। समझ रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि लाजर मर चुका था, मरियम और मार्था के पास यीशु मसीह गया और वो उदास हो गया। क्यों था वो उदास? कहता है कि इनके अंदर आनंद खो गया है। हालेलुया। लेकिन जब मरियम और मार्था ने अपना आनंद वापस दिखाया तो उसी समय परमेश्वर ने उसका आनंद लुटा दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका आनंद आपके बेटे में, बेटियों में है, जॉब में है, घर में, परिवार में है, किसी चीज में फंसा हुआ है, मैं कह रहा हूं वो गड्ढे में से बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, जो आपको जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, इस हफ्ते में मेरा परमेश्वर आपको वो खुशियां दिलाएगा। आमीन। वो खुशियां आपके घर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार है वो खुशियां लेने के लिए? हाँ। देखो आपके सामने है कि 8 साल, 5 साल, कितने साल से बच्चा नहीं था, आगे करना, कितने साल से, सुनो 2 साल से और काफी समय से, कितने साल से, 9 साल से 9 ईयर से बच्चा नहीं था, कितने साल से, 3.5 साल से बोलो, 3.5 साल जोर से बोलो, 3.5 साल माइक ठीक कर बेटे, 3.5 साल से बच्चा नहीं था। कहाँ से आए बेटे आप? मैं कनाडा से आई हूँ। कनाडा से आई है स्पेशल, कैसे मिली बेटे आशीष, इधर दिखा कैमरा किधर है। ऑनलाइन प्रेयर सुनती थी, ऑनलाइन प्रेयर सुन रहे थे और परमेश्वर ने आशीष दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर के 8 साल, 6 साल, 9 साल बता रहे हैं, 2 साल, 3 साल के गवाहियां हैं यहाँ पर के पवित्र आत्मा ने इनको ब्लेसिंग दिया बेटे की। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। जिसके पास बच्चे नहीं है आ जाना ताजपुर चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी। आमीन बोलने वालों को आज, आपके पड़ोसियों को भी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, आपके रिश्तेदारों को भी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका आमीन बाहर आ रहा मुंह से, हालेलुया। नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ, बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, ये भाई बता रहे हैं कि काफी सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन मिल नहीं रही थी। जैसे ये चर्च में आए, प्रोफेसी को रिसीव किया, बता रहे मिलिट्री में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस्ड। क्या
क्या बात है, अरे क्या बात है, हालेलुया। किसमें? तुम्हारे में। यीशु मसीह में क्या बात है। हाँ हाँ बेटे बताएंगे, शाबाश। सबको मेरी तरफ से जानसी की। हाँ, किड़े शहर तो आया, किड़े पिंड तो आया, किड़े अमृतसर मजीठा। हाँ हाँ, मैं इधर करता था, सेवा करता था, वॉलंटियर था, और परमेश्वर के दास ने, सुन लो वॉलंटियर सुन लो, हाँ, परमेश्वर के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, तू तीसरी भर्ती में भर्ती होगा, और परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। आज मैं पोस्टिंग हूँ जम्मू कश्मीर में। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब लग चुका है ये भाई यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने मैं फिर कह रहा हूँ, जो सेवा करते हैं आपकी सेवा व्यर्थ नहीं है। आपने जो परमेश्वर में परिश्रम किया, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जा सकता। सुनो, आपको सेवा करने का मौका मिला या नहीं मिला, लेकिन आप फिर भी चर्च आए हैं, फिर भी आप चर्च आए हैं, तो आपकी सेवा व्यर्थ नहीं है। आप यहाँ पर आए हैं, आप इतनी दूर से चलकर आए हैं, आपने प्रार्थना की है, आपका कुछ भी प्रभु में किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा इस साल के अंदर। आपकी गवाहियां आपके टेबल पर इंतजार करेंगी। एक पोस्टमैन आएगा, आपके लिए चिट्ठी लेकर आएगा, उसमें बहुत सारे बच्चों के गवर्नमेंट जॉब के नाम लिखे होंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ा वो डाकिया आ रहा है, वो एंजल आ रहा है मेरे घर में। मैं आशीर्वाद देता हूं ऐसे लोगों को जो विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस साल में इसी समय परमेश्वर की गवर्नमेंट जॉब लगने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास करने वालों के लिए हो रही। हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ, प्रॉफिट जिस भाई की बहुत ही बड़ी गवाही है, कोलकाता ब्रांच। लीवर में पीलिया हो चुका था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जैसे ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंगल वर्ड को यूज किया, परमेश्वर का रिसीव किया, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मेरे यीशु जी ने जोर दी, क्या बात है। सुनेंगे बेटे, गवाही सुनेंगे, शाबाश। जल्दी जल्दी जी, पापा जी ने जैम सी दी। कहां से आए आप? पापा जी अभी जलंधर से आए। हां हां जी, पापा जी ने जैम सी दी, सारी कलीसिया ने जैम सी दी। पापा जी, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो गया सीगा, ते इसने लीवर प्रॉब्लम बहुत हो गई सी, पीलिया हो गया सी, इन आराम नहीं सी आंदा, डॉक्टरों ने जवाब दिया सीगा, ते मैं इत्थे चर्च विच आंदी सी, जदों भी पापा जी तुसीं प्रोफेसी करते सी, मैं रिसीव करती सी, तो मैं बेटे नूं भी नाल लैके आई, तुसीं प्रोफेसियां कीतियां, मैं रिसीव किया, नाउटी बॉल ते तेल ते बटर लाया, तो बेटा मेरा चंगा हो गया आ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास का धन्यवाद करती हाँ। जय मसी दी, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो बता रही है कि प्रॉब्लम थी इसको, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, लीवर खराब हो गया, डॉक्टर जवाब दे रहा है, रिपोर्टें साथ में है, लेकिन अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया। गुड न्यूज के साथ आज लड़का चर्च में खड़ा हुआ, गवाही दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जा रहे हैं, यहाँ से जाओ लगाओ। मैं कह रहा हूँ कि इस साल में नया अनॉइंटिंग वाटर ऑयल प्रार्थना करके दिया मैंने। मैं फिर कह रहा हूँ कि जाओ अपने पड़ोसियों को भी लगा देना, उनके भी घर में गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे वॉलंटियर अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाते हैं। आप कहते हैं कि मेरे लोगों की गवाहियां नहीं बनती। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, आप कहते हैं कि मेरे लोग विश्वास नहीं करते, या आपके रिश्तेदारों के पड़ोस में जब आप सुसमाचार सुनाते हैं विश्वास नहीं करते, यह अभिषेक है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, जब कोई बीमार पड़े आप पड़ोसी के पास जाओ और जाओ मेरी मिनिस्ट्री का अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाओ। यह भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए, उनकी गवाहियां बनेंगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी, शाबाश। इसी समय कोलकाता ब्रांच, हाँ, गवाही के साथ। पापा, इस भाई की 11 साल से हार्ट की प्रॉब्लम था। हाँ, 3 साल से पापा की अस्थमा था, 5 साल से थायराइड की प्रॉब्लम था, इस माँ की यूरिन इन्फेक्शन था, इस माँ की ट्यूमर था, सीश था, इस माँ की 6 साल से गुप्त प्रॉब्लम था, इस बहन की 13 साल से गुप्त प्रॉब्लम था, इस माँ की 10 साल से कानों में प्रॉब्लम था, इस माँ की आंखों में 2 साल से प्रॉब्लम था, इस बहन की 3 साल से ट्यूमर था, सबके सब बिल्कुल आजाद हो चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से। पापा, इस बहन की बहुत ही बड़ी गवाही, इनकी पोती की 12 साल से कोई बेबी नहीं था, जैसे ही यहाँ पे आया एनाइटिंग ऑयल वाटर यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, 12 साल के बाद 5 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी है। जी जा, मेरे यीशु जी दे जोर दी, क्या बात है।
हाथों को उठाओ, कोलकाता ब्रांच हाथों को लाओ, शाबाश बोलो, मेरे यीशु मसीह में क्या बात है। जो बाहर भी है अंदर भी है, शाबाश जो हाथ ला रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। गुड न्यूज मिले, पवित्र आत्मा आपको छुए और ब्लेसिंग दे। जो बाहर कोई खड़े हैं सुनो, जो भी जिसके पास बच्चा नहीं है उसको वो बाहर चला जाए फटाफट, चर्च वाले मतलब जो बाहर लोग खड़े हैं उनके सामने के बाहर वाले कैमरे में आ जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, शाबाश उनको आगे खड़ा कर दे फटाफट। तेरे से बात कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी से। शाबाश शाबाश, इसी समय विश्वास करो। आप देख रहे हैं कि लोग कैसे कोलकाता में भी ठंड में भी वहां पर बाहर अंदर सारी जगह भरा हुए लोग, परमेश्वर आशीष दे इनको। ये परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है जो ब्रांचों में संडे के दिन जा रहे हैं। इसका मतलब कि आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर आपको इस साल में जरूर बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाओ, हाथ ऊपर करो शाबाश, कैमरे की तरफ देखो, कैमरे की तरफ हाथ ऊपर करो, पीछे हो जाओ शाबाश, पीछे हो जाओ, झुंड का झुंड पीछे हो जाओ, हाथ ऊंचे करो, मेरी तरफ देखो, कैमरे की तरफ देखना, स्क्रीन की तरफ नहीं, कैमरे की तरफ देखना, आपको कैमरे की तरफ स्क्रीन की तरफ नहीं। अपनी भाषा में डांटना इनको, अपनी भाषा में डांट लगा इनको। हाँ शाबाश, अब इसी समय कैमरे की तरफ देखो, इधर देखो, हाँ कैमरे की तरफ इधर देखो, हाँ इधर देखो, हाँ शाबाश। इसी समय आपके हाथों पर एक अनॉइंटिंग आएगी, तो एक एक दूसरे के ऊपर, कैमरा खोल दे थोड़ा, कैमरा खोल दे, और आप एक दूसरे के हाथ पकड़ लो, आपके हाथों पर अनॉइंटिंग आएगी, और बिजली जो पाइप में से होके सप्लाई होती है, याद रखना, आपको आपको वो आशीष का करंट लगेगा भी, और बहुत सारे लोगों पर सप्लाई उतरेगी वो यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, दिखा उसको शाबाश, नेक्स्ट ब्रांच दिखा दे, नहीं तो इतनी, हाँ शाबाश ठीक है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है। अब इसी समय मैं फिर कह रहा हूँ कि आज जिसके पास बच्चे नहीं है सबके सब गुड न्यूज को देखेंगे, जिसको कोई प्रॉब्लम है आज आजाद हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से आपको बोलना तीन बार, एक जोर से बोलो यीशु, दो तीन, ये देखो आ गया यीशु, यीशु फायर फायर, पांच 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 पांच, एक 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 जन के ऊपर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह उतरे यीशु मसीह के नाम में, और उसी समय खाए पिलाए बाहर जाए बाहर जाए, चलो गंदी आत्मा उसी समय छोड़ो इनके शरीर को, चीखो चिल्लाओ और निकल जाओ बाहर 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 बाहर। इसी समय वो गंदी स्प्रिट इसी समय निकल रही है इनके शरीरों से, बाहर आ रही है बाहर आ रही है, निकला बाहर निकला बाहर निकला बाहर। चलो सालों साल से इनके गर्भ को पकड़ने वाली, गर्भ को पकड़ने वाली आत्मा बाहर आ जाओ, यूट्रस में रसोली करने वाली आत्मा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ, जिसको प्रॉब्लम हो रही है कैमरे के सामने डाल। इसी समय परमेश्वर इसी समय तू छू ले आज, इसी समय निकल आए वो गंदी स्पिरिट, बाहर आ जाओ 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 बाहर आ जाओ, एक एक जन को छोड़ दे, इन औरतों को छोड़ दे, इसी समय बाहर आओ बाहर आओ, चलो खाया पिलाए बाहर निकल आओ बाहर, ए जादू टोने की स्पिरिट बाहर आ जा, इसी समय इनके पेट से बाहर आ जा, इसी समय बाहर आ जा, लीवर में से बाहर आ, इसी समय हार्ट अटैक कराने वाली गंदी आत्मा बाहर आए बाहर आए बाहर आए बाहर आए, इसी समय किडनियों को छोड़ दे, इसी समय वो शराब टूट जाए, पूरी ब्रांच को दिखाऊं ऊपर करके शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर जो बाहर अंदर है इसी समय आजाद हो जाए यीशु के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलने पाए, जिनके नाम जी एन आर एस पी बी एम से, गुड न्यूज मिल रही है, आपका फेवर कर रहा है परमेश्वर। हाँ हाँ, नेक्स्ट ब्रांच नेक्स्ट 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 नेक्स, फटाफट हाँ गवाई के साथ शाबाश खोल दे, नेक्स्ट ब्रांच अमृतसर ब्रांच, अपने हाथों को उठाओ शाबाश, अमृतसर ब्रांच गवाई के साथ, जल्दी बेटे जल्दी, हाँ शाबाश गवाइयों के साथ।
सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।